ये सरकार पे कोई आंच नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता ये इस सरकार के ऊपर। ये एक स्थिर सरकार है, जो हो गया सो हो गया, इससे आगे की कल्पना कोई भी ना करे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि परिंदा भी सरकार पर नहीं मार पाएगा, भाजपा भूल जाए कि उसके नापाक इरादे सफल होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल चलेगी सरकार, लोकसभा चुनाव के लिए है कांग्रेस तैयार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर निकले और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार तोड़ने की राजनीति देवभूमि की जनता पसंद नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का पूरा आशीर्वाद सरकार व संगठन को है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर जनता के लिए काम करेंगे, गारंटियों को पूरा किया जाएगा, ओपीएस कर्मचारियों को दे दिया गया है, महिलाओं को 1500 की गारंटी अब पूरी कर दी गई है जो जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है, ये भी नहीं बता रही कि आपदा में हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है, केंद्र ने कोई वित्तीय पैकेज दिया है, और हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि भाजपा ऐसा कोई कागज बताए कि आपदा के नुकसान में केंद्र सरकार ने कोई अतिरिक्त मदद की हो। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये भी पता है कि आने वाले समय में अब वे सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए खरीद फरोख्त षड्यंत्र करके सत्ता हथियाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बड़ी स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है, कोई गलतफहमी में ना रहे। कोई जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि जो है सरकार जो है चली जाएगी, उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये सरकार पे कोई आंच नहीं आ सकती, परिंदा भी पर नहीं मार सकता ये इस सरकार के ऊपर। ये एक स्थिर सरकार है और हम और ये आपको आने वाले समय में पता भी लग जाएगा। ठीक है, सरकार को डिसलॉज करने का एक प्रयास हुआ और उसमें जो है अगर वो राज्यसभा का अपना सांसद बना गए तो वो तो चलो टॉस के आधार पे हुआ है, या फिर जो है लेकिन उसका खमियाजा भी हुआ है कि वो अपना सांसद तो बना गए लेकिन छह विधायकों की सदस्यता समाप्त होगी है, छह, और वो अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है और राजनीतिक लड़ाइयाँ, लीगल लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हमें जनादेश मिला, हम जितना भी काम यहाँ पे हो सकता है वो करेंगे, जो सुधार करना है वो भी करेंगे। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो कल सत्ता में आने वाले हैं और वो अपने काडर का जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने काडर से भी कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहूँगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अपना मनोबल कायम रखो, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ो, और सरकार हमने चलानी है और 5 साल चलानी है, और सरकार गिराने वाले जो हैं उनको जो है अपना स्थान बहुत जल्दी पता लग जाएगा। कोई चुनाव नहीं चाहता, कोई विधायक चुनाव नहीं चाहता, अभी 14 महीने 15 महीने के बाद कौन चुनाव चाहता है, जनता भी चुनाव नहीं चाहती। और जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, हिमाचल देवभूमि की ये परंपरा ही नहीं है कि यहाँ पे जो है सरकारें तोड़ी जाएं। ठीक है, कुछ राज्यों में होता होगा, लेकिन ये देवभूमि की ना संस्कृति है, ना ये कल्चर है, ना लोगों की सोच है कि यहाँ के लोगों के लिए कि नई चीज़ है कि यहाँ पे सरकार गिराने का कोई अटेम्प्ट हुआ, और वो अटेम्प्ट जो है मुकम्मल नहीं हो पाया, और अब हम पूरी तरह सजग हैं, सरकार पूरी तरह जो है पूरे हर तरफ आंख कान नाक सब खुले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हो गया सो हो गया, इससे आगे की कल्पना कोई भी ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।